और दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में रोडरेज में महिला की हत्या कर दी गई है। स्कूटी सवार ने गोली मारकर महिला की हत्या की है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रोडरेज में महिला की गोली मारकर हत्या हुई। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे रोडरेज में स्कूटी सवार ने गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी। मृतका की पहचान सिमरनजीत कौर के रूप में हुई है। महज 25 साल सिमरनजीत की उम्र बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि रोडरेज यानी कि जब सड़क पर आपका हादसा होता है उसमें आप गुस्से में आकर जब किसी पर इस तरह से हमला बोलते हैं और उसकी मौत हो जाती है तो ये रोडरेज की घटना बताई जा रही है। तो आप सोच के देखिए देश की राजधानी दिल्ली में आखिर कानून व्यवस्था कहां है। दिल्ली में इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सिमरनजीत कौर नाम की 25 साल की युवती की हत्या कर दी जाती है। और बात यह है कि स्कूटी से शायद सड़क पर कुछ हादसा हुआ होगा। जैसे ही और अपडेट हमारे पास आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे कि दिल्ली में स्कूटी सवार व्यक्ति ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। अब आप स्कूटी सवार व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर देता है महिला की सरेआम दिल्ली की सड़कों पर, ये देश की राजधानी है। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह जो थी वो रोडरेज थी। रोडरेज यानी सड़क पर जब आप वाहन चला रहे होते हैं तो वहां पर आपसी कहा सुनी हो जाती है, कई बार वाहनों में टक्कर हो जाती है, कुछ अगर वाहनों को आपस में स्क्रैचिंग हो जाती है, बम्पर टू बम्पर अगर आप टकराते हैं तो इस तरह से कभी कोई गुस्सा आ जाता है किसी को तो वो रिएक्ट करते हैं, मारते हैं। और कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि दिल्ली वाले अपना आपा खो बैठते हैं और उसके बाद रोडरेज में हाथापाई भी हुई है, लोगों ने एक दूसरे पर हमला भी बोला है। लेकिन यहाँ पर दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर देना, वो भी गोकुलपुरी इलाके में फ्लाईओवर के नीचे, बताया जा रहा है रोडरेज के दौरान एक 25 साल की, सोचिए एक नौजवान युवती, उसके घर वालों को क्या, उन पर जब ये खबर पहुंचेगी क्या बीतेगी कि 25 साल की उनकी बेटी घर से बाहर निकली थी लेकिन किस तरह से गोली मारकर एक स्कूटर सवार ने रोडरेज में उसकी हत्या कर दी। अब ये महिला दूसरा व्हीकल चला रही थी, इसके व्हीकल से कोई टक्कर हुई स्कूटी की, पैदल थी, वहां पर कुछ हुआ, अभी इस बारे में हम तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि महानगरों में किस तरह का स्ट्रेस रहता है, किस तरह का अवसाद रहता है कि आप छोटी छोटी बात पर इस तरह से रोडरेज में आप अपना गुस्सा निकालते हैं। हालांकि स्कूटी सवार के पास ये पिस्टल लाइसेंस ही थी कि नहीं, तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, अतुल इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट आपके पास? दिल्ली में रोडरेज की चौंकाने वाली ये वारदात हुई है, 25 साल की एक युवती की जान चली गई, कैसे, क्या मामला है पूरा, आपसे अपडेट चाहेंगे। हम अतुल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में रोडरेज का मामला सामने आया हुआ है। गोकुलपुरी इलाका है जहां फ्लाईओवर के नीचे बताया जा रहा है कि एक स्कूटी सवार ने इस सिमरजीत कौर नाम की महिला को गोली मार दी है और रोडरेज का ही प्रथम दृष्टया ये मामला बताया जा रहा है।